आज हम बनाएंगे विंटर स्पेशल नाश्ता, हरी भरी मटर की कुरकुरी पकौड़ी। इसे आप सुबह शाम के चाय के साथ ले सकते हैं या कभी भी आपको चटपटा कुरकुरा खाने का मन हो तो झटपट से इसे बना के खा सकते हैं। ये बहुत ही कम सामानों में बन के रेडी हो जाता है। ऊपर से एकदम क्रिस्पी होता है, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट, और आजकल तो इतने मटर भी आ रहे हैं, तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक कप चावल लिए हैं जिसको आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया है। तो यहाँ पे चावल को आप पहले से आधे घंटे या 15 मिनट के लिए कम से कम भिगो के रख लें। अब हम इस चावल का सारा पानी जो एक्स्ट्रा है ना वो सब निकाल देंगे और एक मिक्सी का जार लेंगे और उसमें डाल के इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। एकदम बारीक पीस लेना है। पानी एकदम 2 से 3 चम्मच डालिए ताकि मतलब बाद में ज़्यादा पतला ना रहे जो हम नाश्ता बनाएंगे उसके लिए। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से इसको पीस के रेडी कर लिया है। और अब हमें लेना है 1 कप मटर। तो ये जिस जार में हमने चावल पीस के रेडी किया था उसी जार में हम मटर को भी पीस लेंगे। तो 1 कप आपको हरे फ्रेश मटर लेने हैं, जितने आपने चावल लिए हैं उतने ही मटर भी लेने हैं। तो बस इसको आपको दरदरा पीस लेना है और जिस बाउल में हमने चावल निकाले हैं उसी में हम इसको भी निकाल लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ी सी हम डालेंगे फ्रेश हरी धनिया की पत्ती, और यहाँ पे मैंने थोड़े से पनीर लिए हैं, ये 100 ग्राम के करीब में होंगे, जिसको बिल्कुल छोटे छोटे पीसेज में कट कर लिए हैं। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपका मन करे तो डालें, नहीं तो इसको बिना पनीर के भी बना सकते हैं। और अब हम इसमें फ्लेवर के लिए डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच डालेंगे इसमें कूटी हुई लाल मिर्च, और 1/2 चम्मच ही हम इसमें डालेंगे चाट मसाला या फिर अमचूर पाउडर, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो ले सकते हैं। और मटर जो कि गैस करता है उसके लिए हम इसमें डालेंगे 2 पिंच के करीब में हींग। और अब लास्ट में हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार। तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। अब इन सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो चम्मच से भी मिला सकते हैं या फिर चाहें तो हाथ से अच्छे से मिला लें। तो हम तो हाथ से ऐसे मिला रहे हैं बिल्कुल अच्छे से, आप भी हाथ से मिलाएं, बहुत अच्छे से इसको फेंट लेना है। आप चाहें तो इसमें अपनी मनपसंद के और भी मसाले ऐड कर सकते हैं, पर मैं इसको बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ। अब इसमें सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गई हैं, तो अभी हम इसको साइड में रखते हैं और गैस पर रख देते हैं 1 कढ़ाई या फ्राई पैन में तेल गरम होने के लिए। जैसे ही तेल अच्छे से गरम हो जाएगा, जो हमने ये मटर का बैटर बना के रखा है ना, इसको थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन हाथ में लेंगे और इसको ऐसे हम इसमें डालते जाएंगे तेल में तलने के लिए। तो बस एक बार में जितनी पकौड़ियाँ आसानी से तल सकते हैं उतना ही इसमें डालेंगे, 2-3 बार में करके थोड़ा थोड़ा करके तल लेंगे। और सारी पकौड़ियों को डालने के बाद से 1 से 1.5 मिनट के लिए इसको अपने आप सिकने देंगे एक तरफ से, उसके बाद से हम इसको पलट देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब पकौड़ियाँ एक तरफ से फ्राई हो जाएंगी तो अपने आप से ही ऊपर तैर के आ जाएंगी, ये नीचे बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगी, तो आप बहुत ही आसानी से इसको पलट सकते हैं। अब इसको पलट के हम दूसरी तरफ से भी 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से सेक लेंगे। गैस की फ्लेम हाई रखें या हाई टू मीडियम करके सेकें। अभी ये दूसरी साइड से भी 2 मिनट के लिए सेक लिया है मैंने, तो ये देखिए थोड़ा सा सिका हुआ दिख रहा है। अब हम गैस की फ्लेम हाई कर देंगे और इसको दोनों तरफ से अलटते पलटते बढ़िया सा क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। और अब ये दोनों तरफ से बहुत ही अच्छे से सिक गए हैं, एकदम क्रिस्पी हो गए हैं, तो अब हम निकाल लेंगे इसको कढ़ाई से बाहर। और जब भी कोई पकौड़ी या कोई भी चीज़ आप फ्राई कर रहे हो तो उसको निकालते टाइम ऐसे साइड से लगा के निकालें, तो जो भी एक्स्ट्रा ऑयल वगैरह होते हैं ना वो सारे कढ़ाई में ही वापस से निकल जाते हैं। तो बस ये बन के तैयार हैं हरी मटर के गर्मा गर्म कुरकुरी टेस्टी पकौड़ियाँ। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनती हैं, एक बार से आप बना के इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। अब इसे आप चाहें तो रेड सॉस के साथ या ग्रीन चटनी के साथ सर्व कीजिए, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। बच्चों को तो आप रेड सॉस के साथ सर्व करेंगे तो उन्हें बहुत पसंद आएगा, और अगर आपको चटपटा खाने का मन है तो हरी चटनी के साथ सर्व कीजिए, आपको बहुत पसंद आने वाली हैं ये पकौड़ियाँ। और मटर का सीज़न तो वैसे भी चल रहा है, तो एक बार से ज़रूर ट्राई करें। आप किस सिटी से इस रेसिपी को देख रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके आप भी मेरी YouTube फैमिली का हिस्सा बनिए। जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक ऐसी नई मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।